नमस्कार, कृषि संदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सूरतगढ़ क्षेत्र में गोविंद सर भाजपा मंडल द्वारा राजेश्वर में नायब तहसीलदार को 5 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री तथा कलेक्टर मुद्दा के नाम से दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार के आदेशानुसार सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई के छिड़काव हेतु विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा इसकी खरीद की गई, जिसकी कीमत बहुत कम होने के बावजूद इसे उच्च दामों में खरीदा गया, जिसके कारण इस दवाई की खरीद में बहुत ज्यादा अनियमितता बरती गई है तथा अधिकारियों द्वारा इसमें भ्रष्टाचार किया जाने का आरोप लगाया गया है। इसलिए इस मामले की जांच करवाई जाने की मांग करते हुए उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों को सजा दिए जाने की मांग की गई है। इस ज्ञापन में किसान हित के लिए भी मुद्दा उठाया गया है और साथ ही कोरोना महामारी के चलते जो भी गरीब लोग हैं जिनको खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा गया है, उनको भी इस योजना से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने की मांग की गई है। इस ज्ञापन देने की कार्रवाई के समय गोविंद सर भाजपा मंडल अध्यक्ष बद्रूराम जोशी तथा कार्यकर्ता अरविंद जोशी सहित अनेक जने शामिल थे। वैसे दौरान सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया। श्री गंगानगर से हमारे सहयोगी बनी शंकर सोनी की।